गुड मॉर्निंग टू ऑल माय व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले आप सबको बहुत 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 सारा थैंक यू दिल से, है ना, क्योंकि आप लोग मुझे बहुत लाइक करते हैं, मेरी रेसिपीज़ को पसंद करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक बहुत ही अच्छी शुगर फ्री, मेरे पापा की फेवरेट मिठाई, जो कि हम बनाएंगे ड्राई फ्रूट से और डेट से, जिसमें हम शुगर बहुत ही कम यूज़ करेंगे। यूज़ तो अगर आपको करना है तो, नहीं तो हम नहीं करेंगे। सबसे ज़्यादा हम उसमें डालेंगे खजूर, है ना, खजूर के रोल्स बनाएंगे हम। तो फटाफट चलते हैं हम हेमा की रसोई में और बनाते हैं ड्राई फ्रूट और खजूर के शुगर फ्री रोल्स। क्या चाहिए हमें? चाहिए खजूर। ये मैंने 600 ग्राम खजूर लिए हैं। इसकी मैंने पूरी गुठली निकाल दी है और उसको मैंने ऐसे करके रख लिया है, ठीक है। उसके बाद मैंने लिए हैं ड्राई फ्रूट। तो ड्राई फ्रूट्स अगर हम क्वांटिटी में देखें तो सारे ड्राई फ्रूट मिला के मेरे करीब 600 या 700 ग्राम होंगे। ये काफ़ी सारे मैंने बादाम लिए हैं, 200 ग्राम, 100 ग्राम मैंने पिस्ता लिया है, थोड़े मगज़ लिए क्योंकि गर्मी में ठंडक रहती है ना, चिरौंजी, और ये काजू का बुरादा लिया है मैंने, और कुछ काजू मैं साबुत डालूंगी, और नारियल का बुरादा, नारियल को मैं पीस लूंगी। इसको थोड़ा सा मैंने बटर लिया, और लिया मैंने खसखस, खसखस इसके लिए बहुत ज़रूरी है, और थोड़ा सा दूध लिया है, और थोड़े से मैं फूड कलर यूज़ करूंगी, एक ऑरेंज येलो कलर और एक ग्रीन कलर, दो कलर मैं इसको यूज़ करूंगी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए पहले गैस को ऑन करती हूँ, और मैं सबसे पहले अपने जो खसखस है ना, इसको थोड़ा सा रोस्ट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कच्चापन रहेगा, क्योंकि हम इसको रोल को इसमें रैप करेंगे, इसलिए इसको मैंने बीन पे छान के रख लिया है। इसको मैं थोड़ा सा रोस्ट कर लूँगी, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, जिससे इसका कच्चापन निकल जाए। देखिए हमारे रोस्ट हो गए हैं अच्छे से, इसका पूरा कच्चापन निकल गया है, और ये अच्छे से मैंने रोस्ट कर लिया। आप चाहें तो इसको रोस्ट ना भी करें, बट मैं करती हूँ, मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है, क्योंकि बचपन से मम्मी को यही देखते आ रहे हैं कि सब सारी मेवे को कच्चा यूज़ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा सा रोस्ट करना है, तो मुझे वही आदत पड़ी हुई है। तो मैंने इसको रोस्ट कर लिया है, इसको मैं निकाल लेती हूँ बाउल में, और फिर मैं अपने खजूर को भूनती हूँ। अब मैं गरम पैन है मेरा, इसमें मैं बटर डाल लेती हूँ। जब तक मेरा बटर मेल्ट हो रहा है तब तक मैं बादाम और मिर्च को पीस लेती हूँ, है ना, बादाम को पीस लेती हूँ। इसका पाउडर तैयार करना है हमको, इसका मैं पाउडर तैयार कर लेती हूँ, इसको पूरा मैं डाल लेती हूँ, और इसका मैं बढ़िया सा डो बना लेती हूँ, मतलब अच्छे से बारीक पीस लेते हैं इसको हम पूरे, काजू बादाम पूरे मगज, और मैंने किशमिश वगैरह सब, चिरौंजी वगैरह सब डाल लिए, और उसको हम रोस्ट कर लेते हैं, फटाफट भून ले, पीस लेते हैं। इसको एक दो बार ऐसे घुमा घुमा के करना, क्योंकि क्या होता है कि ऊपर से तो ये पीस जाते हैं, नीचे बड़े बड़े रहते हैं, हम एक दो बार इसको ऐसे और कर लेंगे, इसका बारीक सा डो बना लेंगे, है ना, बारीक सा, बिल्कुल बारीक पीस लेंगे। बड़ा एकदम पीस गया है, इसको मैं इसमें मिक्स कर लेती हूँ, ये देखिए इसमें रख लेते हैं इसको, और अब हमारा बटर भी मेल्ट हो गया है, तो मैं अपने खजूर को भून लेती हूँ अच्छे से। इसको हमको जब तक भूनना है जब तक कि ये मेल्ट ना हो जाए, है ना, तब तक हम इसको अच्छे से भूनेंगे, जब तक ये ठंडा हो जाएगा डो के लिए, और हम इसको जब तक भून लेते हैं। ये देखिए इसको हमने दो पार्ट में कर लिया है, ये देखिए पूरे हमारे जो ड्राई फ्रूट्स थे वो अच्छे से भून गए हैं, वो मिक्स हो गए हैं इसमें। तो अब इसको डो बना लेती हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा दूध डाल के, और इसमें डालती हूँ मैं येलो कलर, मैं येलो कलर इसको बना लेती हूँ। ये मैंने संतरे के छिलकों से बनाया था, मैं बता चुकी हूँ आपको पहले भी, तो जितना मुझे लगेगा उतना ही मैं डालूंगी इसमें, देखिए क्योंकि डो बनने में बहुत ही कम दूध लगता है, देखती हूँ मैं कितना लगता है। क्योंकि ये सारे ड्राई फ्रूट्स ही हैं, बाकी तो इसमें कुछ है नहीं, एकदम टाइट सा डो बना लेंगे हम इसको। मेरा बन गया है, ये देखिए दिख रहा है आपको, ये देखिए। अगर आपकी खजूर बहुत कड़क है और आपसे डो नहीं बन पा रहा है, तो आप इसको थोड़ा सा मिक्सी में भी ठंडा होने के बाद पीस सकते हैं, है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा तो डो तैयार हो गया, अगर मुझे लगता है कुछ कुछ दाने इसमें है, तो मैं मिक्सी में इसको कर सकती हूँ अगर ज़रूरत लगी तो, है ना। अब मैं गैस को कर देती हूँ ऑफ, और ये जब तक ठंडा हो रहा है तब तक मैं, ये अपना मेरा डो बन चुका है, देखिए कितना बढ़िया बना है। अब ये तो सिर्फ ड्राई फ्रूट्स है, आपने देखा ही होगा, है ना, तो मैं थोड़ी सी शुगर इसमें डालूंगी, ये शुगर पाउडर है, ये देखिए थोड़ी सी शुगर पाउडर है, बस थोड़ी सी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी सी, क्योंकि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स है ना, तो इसमें शक्कर तो है नहीं, तो फिर ये अंदर का जो है वो फीका फीका लगेगा, और ऊपर का तो खजूर के कारण काफ़ी मीठा लगेगा ना, तो इसलिए मैं इसमें थोड़ी सी शक्कर मैंने ऐड कर ली है, और ये मैंने बना के रख लिया है डो। जब तक मेरा ये वाला डो तैयार हो रहा है, उसके बाद मैं अपना ग्रीन कलर वाला भी डो तैयार कर लेती हूँ। देखिए मेरा येलो कलर वाला डो तो मेरा रेडी हो गया है, अब मैं ग्रीन कलर वाला डो भी रेडी कर लेती हूँ।
मैंने इसमें ग्रीन दूध में ग्रीन कलर डाल दिया था, और जितना मुझे लगेगा उतना मैं कर लेती हूँ। देखिए ये पालक का कलर है, पालक से बनाया हुआ कलर है, देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। अगर आप नहीं बना सकते तो मार्केट में भी कलर आता है, बहुत इजीली मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। बट चूंकि मैंने अभी अभी ही बनाया था तो मेरे काफ़ी काम में आ रहा है ना। थोड़ा थोड़ा सा दूध डालिएगा, नहीं तो पता लगा कि अपन ने ज़्यादा डाल दिया तो फिर दो कम पड़ जाएगा। देखिए इसमें भी हम थोड़ी सी शुगर डालेंगे, क्योंकि ये सिर्फ ड्राई फ्रूट है ना, इसलिए थोड़ी सी डालेंगे, ज़्यादा नहीं, दो चम्मच के आसपास बस, पिसी हुई लेकिन, है ना, खड़ी मत डालिएगा, पिसी डालिएगा, क्योंकि इसको हमको अभी बेलना पड़ेगा ना, इसलिए। इसी तरह हम अपने दोनों डो तैयार करके रख लेते हैं। खजूर का भी डो अच्छे से बन गया है, मैंने कर लिया अच्छे से। अभी थोड़ा सा गर्म है, थोड़ा गर्म है अभी, थोड़ा सा ठंडा हो जाए फिर इसका भी डो बना लेती हूँ मैं, बेलने के लिए जब तक रेडी हो जाए। खजूर वाला डो देखिए कितना से तैयार हो गया, ये बहुत बड़ा है क्योंकि मैंने ज़्यादा, मुझे बनानी है ना, मुझे काफ़ी लोगों को मिठाई खिलानी है ना, तो मैंने बहुत ज़्यादा बनाया है, तो मैं इसके चार पार्ट कर लूँगी। देखिए है ना, चार पार्ट कर लूँगी इसके, ठीक है। चार पार्ट करके हम इसको ऐसे पेड़े जैसे बना लेंगे और एक एक पेड़ा करके हम बेल लेंगे। ये पन्नी मैंने रखी है, दो पार्ट यहाँ रख दिए। अब ये देखिए इस पन्नी में मैंने थोड़ा सा बटर लगा दिया है, देखो ये देखिए, इसको हम अच्छे से हाथ से भी कर लेंगे, नहीं तो हम इसको बेल भी सकते हैं, क्योंकि हमारा डो जो है वो बढ़िया हो गया है, थोड़े थोड़े से उसमें है, तो इसमें कोई बात नहीं, चलता है, ठीक है। इसको मैं अच्छे से इस पर रखती हूँ, ये इसको ऐसे करती है मैंने, इसको मैं बेल लेती हूँ। ये देखिए हमने इसको अच्छे से बेल ली है, मैं देखती हूँ कैसी बेली है। वाह, ये देखिए कितनी बढ़िया बेली है ना, बहुत अच्छी बेली है इसको, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसका लंबा सा ऐसे बना लेंगे, ये देखिए इसमें लपेटने के लिए, देखिए इसको हमने ऐसे बना के रख लिया। अब जो ग्रीन वाला पार्ट है हमारा, इसको हम बेल लेते हैं वापस से ऐसे ही पन्नी की, देखिए इसको रखा हमने, ये देखिए इसको रखा, इस वाली पन्नी को उसके ऊपर किया, ये देखिए इसको भी बेल लेंगे, क्योंकि हमको एकदम कलरफुल बनाना है ना, इसको ऐसे बेल लेंगे, इसको बहुत आसानी से बिल जाएगा, क्योंकि सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और हमने बहुत बारीक सा डो बना लिया था ना इसका, तो काफ़ी अच्छे से ये देखिए बिल रहे हैं, जैसे हम आलू के पापड़ बेलते हैं ना, ऐसे पन्नी पे बिल्कुल वही वैसे ही आएगा। ये देखिए, ये देखिए कितनी अच्छी बिल गई ना हमारी, बहुत अच्छी बिल गई है। एक्स्ट्रा पार्ट हम हटा देंगे, ये देखिए ये कितने अच्छे से निकल गई है, निकल गई है ना, इसको हम इसमें ले लेंगे, ये देखिए, ये देखिए ले लिया ना हमने इसको इसमें अच्छे से, ये देखिए ना। अब हमको जो एक्स्ट्रा लगेगा वो हम उसको अलग हटा देंगे। अब हम इतना ही बड़ा, इतना लंबा, जैसे छोटा है ना थोड़ा सा, तो हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ये देखिए, ये देखिए है ना, इसको ऐसे थोड़ा सा और बड़ा कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है ना, इसको हमने ऐसा कर लिया, ठीक है। अब हम इसे पन्नी सही थी, ये देखिए, ये देखिए बिल्कुल बिल्कुल पास पास पास, ये देखिए, ये देखिए इसको ऐसे किया, ये देखिए इसको ऐसे किया, और इसको पन्नी को हम हटा देंगे, ये देखिए, ठीक है। फिर हमने इसको ऐसे किया, ये देखिए बिल्कुल पतले पतले से रोल बने, जितने पतले आपसे हो सकते हैं, ये देखिए इसको फिर हटा लेंगे हम, ये देखिए फिर इसको ऐसे किया अपन ने, ये देखिए ये हमारा एक रोल एकदम तैयार हो गया, ये देखिए कितना बढ़िया रोल तैयार हो गया। हम ऐसे कैसे सारे रोल तैयार कर लेंगे, और हम इसको ऐसे कैसे फ्रिज में रख देंगे। इसको हम करीब फ्रीजर में रख के 2.5 से 3 घंटे बाद निकालेंगे, उसके बाद में हम इसके पीसेस कट करेंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे रोल बनाकर अभी रख लेते हैं। तो देखिए हमारा रोल बन गया है, अब मैं सिल्वर फॉइल में करके इसको फ्रीजर में डाल दूंगी, ये देखिए, ये देखिए हमारे सारे बन चुके हैं, ये भी कितने बस लास्ट हमारा बन रहा है, ये देखिए कितने अच्छे बने हैं, ये देखिए इसको, ये देखिए इसको सिल्वर फॉइल में करके आप ऐसे ऐसे करके अच्छे से बिल्कुल टाइट, जितना टाइट हो सकता है आपको, ये देखिए, क्योंकि अंदर अगर पोला रहेगा ना तो फिर वो हमारे जो रिंग्स हैं वो अच्छे से नहीं कटेंगे, हो तो जाएगा बट रिंग अच्छे से नहीं कटेंगे, इसलिए एकदम बिल्कुल टाइट टाइट, इसको देखिए
और इसको हम फ्रीजर में रखेंगे करीब 2 से 3 घंटे कम से कम। ये देखिए ये हमारे सारे रोल अच्छे से बन चुके हैं, हमारे फ्रिज से निकाल लिए हमने, 2 घंटे हो चुके हैं। देखिए ये काफ़ी सेट हो चुके हैं अच्छे से। ये रैपर मैं निकाल लेती हूँ। ये देखिए ये आप चाहें तो हम इसको खसखस को ऐसे डाल के ऐसे भी कर सकते हैं और एक एक करके भी कर सकते हैं। देखिए इसको हम अच्छे से रैप कर लेंगे खसखस को। ये देखिए अच्छे से चारों तरफ से अच्छे से कर लेंगे हम। ये देखिए ये हमारी शुगर फ्री खजूर की ड्राई फ्रूट वाले रोल्स एकदम रेडी हो रहे हैं। ये देखिए कितने बढ़िया होगा, एक्स्ट्रा जो है अपने आप निकल जाएंगे। अब हम इस पर रख के और इसको शार्प चाकू की मदद से पीसेस कर लेंगे। ये देखिए आप बिना स्टफिंग के भी बना सकते हैं, आप सिर्फ खाली खजूर की भी बना सकते हैं, बट मैंने ड्राई फ्रूट की स्टफिंग की है क्योंकि थोड़े से ये और अच्छे लगते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया रोल्स लग रहे हैं हमारे। इसी तरह से हम अपने सारे रोल्स काट लेंगे। ये देखिए हमने सारे रोल काट लिए हैं। इसी तरह हम अपने सारे रोल्स काट लेंगे अच्छे से। ये देखिए कितनी बढ़िया हमारी मिठाई तैयार हो रही है। इसको हम बिना फ्रिज के भी 20 से 25 दिन तक रख सकते हो, और फ्रिज में रखकर तो हम काफी दिन तक इसको खा सकते हैं। ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं हमारे। ये देखिए रोल कितने टेस्टी और कितने बढ़िया लगे हैं। ये देखिए आप कोई भी रोल देखिए आप, ये देखिए कितने बढ़िया बने हैं ना। तो हमारे शुगर फ्री डेट्स की ये देखिए हमारे ये जो रोल्स हैं बिल्कुल रेडी हैं और देखने में कितने टेम्पटिंग और कितने बढ़िया लग रहे हैं। तो अब हम इसके इसी तरह हम सारे रोल को काट लेते हैं और उसके बाद हम करते हैं अपनी प्लेटिंग। हमारी शुगर फ्री खजूर और ड्राई फ्रूट्स के रोल्स कितने टेस्टी और कितने अच्छे बने हैं, दिख रहा है ना, बहुत ही बढ़िया। 1000 रुपये किलो की मिठाई हमने घर में कितनी आसानी से और कितनी जल्दी बना ली। तो आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करिए और बनाइए, खाइए और खिलाइए। हम कल फिर नई रेसिपी के साथ मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय।